और बाद इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ही करेंगे। रूस से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस आतंकी हमले के संदिग्धों की तस्वीरें सामने आई हैं। कार में बैठे हुए संदिग्ध आतंकी, रूस में आतंकी हमले में 70 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। रशिया में मॉस्को में आतंकी हमला हुआ, 5 हमलावर आए थे, रूस आतंकी हमले के संदिग्ध फरार हो गए। हालांकि 2 संदिग्ध आतंकियों की अब तस्वीर सामने आई है। बताया ये जा रहा है कि एक साथी जो उनका है वो पकड़ा भी गया है, हिरासत में भी लिया गया है। लेकिन आपको बताएं किस तरीके से गाड़ी में फरार हो गए, गाड़ी में बैठकर ये संदिग्ध आतंकी फरार हो गए। तस्वीर सामने आई एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 इंडिया पर, हम आपको दिखा रहे हैं। कार में बैठे हुए संदिग्ध आतंकी, रूस में टेररिस्ट अटैक, 70 लोगों की मौत, और हमला की जिम्मेदारी इस वक्त आईएस आतंकी संगठन की ओर से ली गई है। उसके बाद से ही जब से ये अटैक हुआ है पूरी मॉस्को राजधानी दहली हुई दिखाई दे रही है। खासकर अगर रशिया की बात करें तो रशिया में पुतिन इसे फेस वैल्यू पर ले रहे हैं, क्योंकि अब से थोड़े दिनों पहले ही थंपिंग मेजोरिटी के साथ पुतिन जीत दर्ज करके वापस लौटे हैं। वही राजधानी मॉस्को में आतंकी हमला हुआ और इस आतंकी हमले में 70 लोगों की मौत की खबर है और 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक मॉस्को में क्रोकस सिटी हॉल में 5 टेररिस्ट ने अंधाधुंध फायरिंग की। गोलियों की आवाज सुनते ही हॉल में अफरा तफरी मच गई, लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। फायरिंग के बाद ग्रेनेड से भी हमला हुआ, करीब 100 लोगों को क्रोकस सिटी हॉल से बाहर निकाला गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 5 बंदूकधारी पहुंचे थे और क्रोकस सिटी हॉल में जब 6200 के करीब लोग उस हॉल में मौजूद थे, आकर अंधाधुंध पहले ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और उसके बाद ग्रेनेड का इस्तेमाल करते हैं। ग्रेनेड से 2 धमाके किए जाते हैं। संभवतः ग्रेनेड का इस्तेमाल इस हॉल से सुरक्षित बाहर निकलने के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से किया गया था। लेकिन जिस तरीके से एयरपोर्ट और रेलवे बंद कर दिया गया है, संभावना इस बात की जताई जा रही है कि ये तमाम जो हमलावर हैं वो रशिया से बाहर नहीं भागे होंगे, रशिया के अंदर ही होंगे। और ऐसे में पुतिन के लिए बड़ा चैलेंज ये होगा कि जिस तरीके से थंपिंग मेजोरिटी के बाद, लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद दोबारा वो प्रेसिडेंट बने हैं, इस टेररिस्ट एक्टिविटी के बाद इन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और जो भी इसके पीछे है उसके एक कड़ी मैसेजिंग रशिया की ओर से दी जाए। देखिए ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि विपक्ष के नेता एलेक्सी नेवलनी का जब मौत का जो आरोप है वो पुतिन पर लगता रहा है, जबरन उन्हें मरवाया गया जेल के अंदर, इस तरह का आरोप पुतिन पर लगा। दूसरी बात ये है कि थंपिंग मेजोरिटी के साथ जब वो जीत के आते हैं तो ये फेस वैल्यू पर बात आ जाती है। एक तरफ आरोप इस बात के लगाए जा रहे थे गुस्सा बहुत था, वहीं आरोप इस बात के भी लगाए गए कि संभवतः यूक्रेन की ओर से बड़ा हमला किया गया है, क्योंकि नेटो कंट्रीज की ओर से लगातार लॉजिस्टिक सप्लाई यूक्रेन को दी जाती रही है और वही लॉजिस्टिक्स जो है, वही रसद सामग्री है, उसका इस्तेमाल इस टेररिस्ट अटैक में हुआ है। हालांकि यूक्रेन की ओर से साफ तौर पर इस पर मना कर दिया गया कि हमारा कोई हाथ नहीं है। फिर आरोप CIA जो कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी है उस पर भी लगे, हालांकि नाम उसका भी सामने नहीं आया। अंत में बात आई कि IS की ओर से, ISIS की ओर से ये आतंकी हमला किया गया है, ISIS ने इसकी जिम्मेदारी ली है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या अब रशिया की ओर से बड़ा रिटेलिएशन देखने को मिलेगा? तमाम वो बेस ISIS के अलग अलग जो देशों में है उन पर क्या हम अटैक देखने को देख सकते हैं? हालांकि KDJ की ओर से ये भी बता दें कि आशंका जताई जा रही थी, KDJ जो कि बेलगोरोद और क्रिमिया में रहता है, रशिया, कहने को तो ये लोग रशियन हैं लेकिन यूक्रेन की ओर से लड़ाई लड़ते हैं, इस बात की भी संभावना जताई जा रही थी कि ये लोग भी हमले में शामिल हो सकते हैं। लेकिन ISIS का नाम इस पूरे अटैक में सामने आया है। लेकिन आपको एक बार इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए बताते हैं, मैप के जरिए समझाएंगे कि ये हमला कहाँ हुआ है। देखिए समझिए, क्रोकस सिटी आप देख रहे हैं, मॉस्को यहाँ पर है, क्रोकस सिटी हॉल जहां पर ये अटैक हुआ है। यहां से कुछ देरी पर ये देखेंगे अगर आप तो क्रेमलिन भी है। क्रेमलिन यानी कि जो पूरा पावर हब है, डिफेंस का पूरा पावर हब है रशिया का, वो यहां से बस थोड़ी ही दूरी पर है। और उसके बाद इस जगह को चुनने का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाना, अंधाधुंध फायरिंग करना और एक बड़ा मैसेज पुतिन को और मॉस्को को देना। और इसके अलावा ग्रेनेड का संभवतः इस्तेमाल इसलिए किया गया होगा कि वहां से वो फटाफट कवर लेते हुए एक तरफ भाग जाए, दूसरा ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाए। लेकिन अगर आप इस इलाके को पूरी तरीके से देखेंगे तो काफी ये क्राउडेड इलाका दिखाई दे रहा है और ऐसे में किन रास्तों से कहां वो फरार हो गए ये बड़ा सवाल होगा। जगह इस तरीके से चुनी गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान भी पहुंचा दिया जाए और एस्केप भी कर लिया जाए, भाग भी जाया जाए। बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। रूस पर आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली है। संदिग्ध आतंकियों की तस्वीर भी सामने आई है। रूस में आतंकी हमले में 70 लोगों की मौत हुई है, 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और इस
अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी आईएसआईएस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से ली गई है। ऐसे में अब बड़ा क्या रशिया की ओर से किया जाएगा, अब बड़ा क्या पुतिन की ओर से किया जाएगा, इस पर दुनिया की नजर बनी हुई है, क्योंकि डेप्यूटी चेयरमैन सिक्योरिटी काउंसिल रशिया के दिमित्री मेदवेदेव की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया है कि जान के बदले हम जान लेंगे, और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आईएसआईएस के जो तमाम आतंकी ठिकाने हैं वहां पर हम रशिया की ओर से बड़ा आतंकी हमला देख सकते हैं, क्योंकि रशिया बहुत ही रिग्रेसिवली, बहुत ही अग्रेसिवली अटैक करता रहा है अपने दुश्मनों के ऊपर। ऐसे में तीन तस्वीरें देखिए, ये एक उस वक्त की तस्वीर है जब ताबड़तोड़ के बाद कई गोलियां बरसाई जा रही थी हॉल में, वहीं 70 लोगों की मौत के बाद जब गोलियों के बाद बरसाने के बाद जब दो ग्रेनेड फायर फेंके गए, जब वहां पर आग लगी तो किस तरीके से आग आसमान को छू रही थी वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वहीं तीसरी तस्वीर में 100 से ज्यादा अटैक लॉन्ग शॉट में अगर आप देखेंगे तो आग से किस तरीके से पूरा आसमान जगमग कर रहा था, दूर दूर तक इस आग की रोशनी दिखाई दे रही थी, लपटे दूर दूर तक दिखाई दे रही थी, ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं। एक तरफ कॉन्सर्ट में बीच वाली तस्वीर देखिए किस तरीके से अफरा तफरी मची हुई है और किस तरीके से लोग जान बचाने को वहां पर आतुर दिखाई दे रहे हैं, भागम भाग की स्थिति है और वहां पर माहौल बहुत ही ज्यादा गमगीन और डरावना हो गया था। और सेना जैसी वर्दी पहने आतंकी क्रॉकस सिटी हॉल में दाखिल हुए, आतंकवादियों ने हॉल में पहुंचकर लोगों पर ऑटोमेटिक हथियारों से अंधाधुंध गोलियां चलाई और कई बम धमाके भी किए, और इन हमलों को तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, आपको दिखाएंगे। हमले के बाद आग भी लग गई। आतंकी हमले के बाद रूसी नेशनल गार्ड्स ने मोर्चा संभाल लिया। चश्मदीदों का कहना है कि 5 से ज्यादा आतंकी थे, हालांकि 2 की तस्वीर भी अभी तक सामने आई है, 1 पकड़ा भी गया है, लेकिन क्या इनके अलावा और भी लोग थे जो इस पूरी साजिश में शामिल थे, और अगर वो लोग थे तो वो मॉस्को के कौन से हिस्सों में छुपे होंगे, ये बड़ी चुनौती होगी। लेकिन आपको बताएं कि सेना की वर्दी में ये पहुंचे थे आतंकी, जिससे कि चकमा दिया जा सके, जिससे कि क्रॉकस सिटी हॉल में दाखिल हुआ जा सके, क्योंकि मॉस्को जो कि रूस की राजधानी है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत टाइट है, और ये बात बिल्कुल मत भूलिए कि वहां से कुछ ही किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर क्रेमलिन भी है, और क्रेमलिन में पूरा डिफेंस हब जो है वो रशिया का है, वहीं से पूरा पावर सेंटर चलता है, और ऐसे में महज पावर सेंटर के कुछ मिनट के डिस्टेंस पर इतना बड़ा अटैक करना जाहिर है पूरी प्लानिंग रही होगी। 4 तस्वीरों के जरिए समझिए मॉस्को में फायरिंग के बाद क्या कुछ हालात थे, किस तरीके से वहां पर एकदम से अफरा तफरी मची, धमाके के बाद दूर तो तक कई किलोमीटर दूर से आपको आग की लपटें उठती दिखाई दे रही हैं, 70 लोगों की मौत के बाद वहां पर स्थिति बिल्कुल ही खराब हो गई। ग्रेनेड से बाकायदा अटैक किया गया है, यानी कि एक बड़ा नरसंहार हो जाए, और साथ साथ गोलीबारी करने के बाद, गोलीबारी को अंजाम देने के बाद सेफली वहां से स्केप हुआ जा सके, भागा जा सके, इसलिए ग्रेनेड का भी अटैक किया गया होगा।